मधेपुरा में घर घर जन स्वराज अभियान का चल रहा है मुहिम, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में जलवा बिखरने प्रशांत किशोर, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य कहे जाने वाले बिहार में बदलाव के लिए लगभग 2 सालों से प्रशांत किशोर गांव-गांव हर घर जन स्वराज के तहत मुहिम चला रहे हैं। वहीं आज हर घर जन स्वराज अभियान पर लोगों को जागरूक करने के लिए मुरलीगंज प्रखंड के भतखोरा पंचायत के मुसहरनिया गांव पहुंची, जहां जन स्वराज टीम मुन्ना सिंह के दरवाजे पर एक बैठक आयोजित की। बैठक में लोगों को जन स्वराज वाहिनी के बारे में बताया गया, जो मूल रूप से बिहार में शिक्षित युवाओं के लिए वजीफादार नौकरी पैदा करने की एक योजना है। जन स्वराज को अभी एक पार्टी बनाने के बारे में सोचा गया है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अगले 2024 के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार यादव, डॉक्टर नीलेश यादव, डॉक्टर अशोक यादव, ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, जिला परिषद सदस्य कपिल देव पासवान, जिला परिषद उपाध्यक्ष रघुनंदन दास, रंजीत कुमार सिंह, पूर्व सरपंच सह पूर्व मुखिया जीवछ मंडल, पैक्साध्यक्ष राजेश यादव, मुखिया दयानंद यादव, समिति मनोज सिंह और पार्टी महामंत्री मुन्ना सिंह सेंगर, एमडी रहमान, सुधीर सिंह, रंजन सिंह, नरेश सिंह, गोपाल सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन जन स्वराज पदयात्रियों के सहयोग, जन स्वराज प्रशांत किशोर के निर्देशन में राजनीतिक टीम शामिल कंसल्टेंट जयित कोयल जी ने किया।